गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल गुप्ता अकैडमी मलोट। हाँ जी, अज मैं थोनों प्लस वन कमिस्ट्री का फस्ट चैप्टर करा जा रहा। लास्ट वीडियो में एक दो टॉपिक बेसिक चीज़ा कीतिया सी। अज आप फस्ट चैप्टर के ला है, अपने को फाइव ला है। अज आप लाज की गल करा, ठीक है जी। केड़े केड़े ला है मैं थोड़ा इतने लिख के दस दिना। हाँ जी, देर आर फाइव लाज इन द फस्ट चैप्टर। हाँ जी, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास, ला ऑफ कॉन्सटेंट कंपोजिशन। देखो, ला ऑफ कॉन्सटेंट कंपोजिशन आप डेफिनेट प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड है जी अपने को ला ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ला ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन एंड ला ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जो आप वॉल्यूम की गल करांगे तो उसको आप कह सकते हैं जी गेलसाक ला भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंबाइनिंग वॉल्यूम के बेस के उत्ते ला किने दिता सीगा, साइंटिस्ट सीगा एक अपने कोल गेलसाक ला, तुसीं याद रख सकते हो, ठीक है जी। ये अपने कोल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी। हुण आपां फर्दर इन्हां दी वन बाय वन आपां की करते हैं जी स्टडी करते हैं जी इन्हां दी। हाँ जी, फस्ट है अपने कोल कंजरवेशन ऑफ ला ऑफ मास। हाँ जी, आपां नूं फस्ट ला की कहिंदा है? फस्ट ला कहिंदा है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ जी, आप लिख दें नाल नाल तुसीं इन्हें नोट्स बनाई जाना। हाँ जी, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनी फिजिकल और केमिकल मैथड, एनी फिजिकल और केमिकल मैथड। एदा मतलब है ना ही इनू फिजिकल मैथड ना ही केमिकल मैथड ना इनू ना ही बना सकते हैं मैटर नू, ते ना ही इनू आपां तोड़ सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनू की कहिंदा है आपां अदर वर्ड्स की कह सकते हैं? देखो, जे मान लो अपने कोल एक दो अपने कोल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की गल करते हैं, ये अपने कोल की बन गया प्रोडक्ट बन गया सी ए प्लस बी कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट सी प्लस डी, ठीक है जी। ये अपने कोल रिएक्टेंट है, ठीक है जी। ये अपने कोल की बन गया प्रोडक्ट बन गया। तो ये अपन अकॉर्डिंग टू ला की कहता है? देखो जी, कंजरवेशन ऑफ मास, कंजरवेशन ऑफ मास की कहता है? The mass of reactant is equal to the mass of product, ठीक है जी। कहिंदा भाव है mass of reactant is equal to mass of product, ठीक है जी। इस नूं आपां वेरीफाई कर लैंदे हैं एग्जाम्पल दे नाल। सिंपल एग्जाम्पल लैके चलते हैं। सिंपल एग्जाम्पल आपां हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लै लैंदे हैं, की बन गया अपने को वाटर बन जाएगा। बैलेंस कर लो, इनू हाइड्रोजन के टू मोलीक्यूल है, टू लगे है, ऑक्सीजन के टू है, इतने वन है, मीन अगर टू लगा दिए, इतने आप टू लगा दें, अपने को हो गया जी बैलेंस हो गया। हुण आप देखना है ला ऑफ कंजरवेशन मास नू होल्ड करता है कि नहीं करता। देखो जी, हाइड्रोजन का मास नंबर अपने को कितना होता है? वन। ऑक्सीजन का मास नंबर अपने को कितना होता है? 16। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर अपने को 16 और अटोमिक नंबर 8 होता है, तो मास नंबर उसका मोस्टली डबल होता है, 8 16 हो गया, ठीक है। अपने को हाइड्रोजन देख लें, 2। मास नंबर की गल कर रहे हैं तो आप इतने मास नंबर लिखे है, क्लीयर है। 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 ही होगा, ठीक है। 2 मोलीक्यूल लगे हुए हैं, मीनस 1 इंटू 2 टू टाइम है, प्लस ऑक्सीजन अपने को कितना है? 16। 2 मोलीक्यूल लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के अपने को एक होंगे, 2 लगे हुए हैं, प्लस ऑक्सीजन 16 है, ठीक है जी। इनू सॉल्व कर लिए, 4 प्लस 32, इनू कर लिए 4 प्लस 16, आ इतने अपने को 2 लगे हुए हैं, तो 32 किन्ना आ गया अपने को? 36 इज इक्वल टू 36, मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप की कर गया जी, ये वेरीफाई कर गया, ठीक है जी। मीन्स इतों की पता लग्या आपां भी जो ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास है ना ही इनू आपां बना सकते हैं ते ना ही इनू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय फिजिकल और कैमिकल मैथड, क्लीयर है।
एक आप होर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो अपने को दो रिएक्टेंट है AgNO3 NaCl, की मिलके बन गया अपने को AgCl प्लस NaNO3। ठीक है जी, जो अपने को फर्स्ट है वो इन ब्रेक कर लो, आ चीज कंबाइन हो जाती है पॉजिटिव नैगेटिव नाल, जो आयंस बनने तो अगली चीज इन्हें कंबाइन हो जाती। ठीक है जी, इस जे तुसी मास नंबर देख लेना पीरियोडिक टेबल दे विच मास नंबर गिवन होएगा तो तुसी इन्हां दोनों का मास काउंट करके ते इन्हां दोनों का मास काउंट करके देख लेना दोनों अपने कोल इक्वल होणगे। क्लीयर है जी। नैक्सट आपां करदे हां ला, हाँ जी हाँ जी, सैकेंड ला अपने को ला ऑफ कॉन्सटेंट कंपोजिशन जां डेफिनेट प्रपोर्शन। इहदा की मतलब है, जे आपां कोई भी आप वाटर ले लें, चाहे रेन वाटर ले लें, चाहे टैप वाटर ले लें, चाहे सी वाटर ले लें। मान लो तीन फ्रेंड है, एक ने टैप वाटर ले लिया, एक ने रेन वाटर ले लिया, एक ने अपने को सी वाटर ले लिया। क्लियर है, वाटर का फॉर्मूला H2O, इन्दे विच भी H2 सेम ही होएगा अपने को। देखो आप कॉन्सटेंट कंपोजिशन की गल कर रहे हैं, कॉन्सटेंट कंपोजिशन मतलब उन्हां दी जो रेशो है फिक्स ही रहेगी, चाहे वाटर टैप का हो, चाहे रेन का हो, चाहे सी का हो। हाँ जी, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होएगा अपने को, वन, टू मोलीक्यूल लगे हुए हैं, वन इंटू टू इज टू सिक्सटीन, सेम वन इज टू टू इंटू सिक्सटीन, वन इज टू टू सॉरी वन इंटू टू इज टू सिक्सटीन। क्लियर है ना, ये अपने को बन गया टू रेशो सिक्सटीन, टू रेशो सिक्सटीन, टू रेशो सिक्सटीन, कैंसल होके अपने को वन रेशो एट आ गया। कहने का भाव है भी चाहे टैप वाटर ले लिया, चाहे रेन, चाहे सी वाटर, जो आप वाटर की कंपोजिशन देखी है, जो उन्होंने रेशो देखी है, वो अपने को फिक्स है ना, वन रेशो एट, वन रेशो एट और वन रेशो एट ही आ रहा है। ठीक है जी, ये अपने को क्या कॉन्सटेंट कंपोजिशन है, मीन डेफिनेट प्रपोर्शन है, मीन ये अपने को डेफिनेट प्रपोर्शन दे विच ही इन्हां दी रेशो मिलेगी, चाहे वाटर जेड़ा मर्जी होवे। क्लियर है जी, तो इसकी डेफिनेशन की कहती है हुण। हाँ जी, जो इसकी डेफिनेशन कहती है, अ प्योर कैमिकल कंपाउंड, एक प्योर कैमिकल कंपाउंड ले लिया, ऑलवेज कंटेन सेम एलीमेंट। देखो सेम एलीमेंट ही है, वाटर ले आया तो मीनस एच ते ओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, डिफरेंट केसिस दे विच कंबाइन टूगैदर, दोनों कंबाइन भी कर रहे हैं इन सेम डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट, मीन्स जो ये कंबाइन कर रहे हैं इन्हों की डेफिनेट प्रपोर्शन आ रहा है, मीन्स वन इज टू एट ही प्रपोर्शन आ रहा है तिना केसिस दे विच। क्लीयर है, देर आर द सेम प्रपोर्शन इन थ्री केसिस। क्लीयर, तो अपने को हो गया जी ला ऑफ कंबीनेशन, कॉन्सटेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन की हो गया जी, इतने होल्ड हो गया। हम आप नैक्सट स्टडी करते हैं जी थर्ड ला दी। हाँ जी, थर्ड ला अपने को ला ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो ला ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की कहता है, वैन टू एलीमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर दैन वन कंपाउंड, जदों दो एलीमेंट मिलके दो या दो तो वध कंपाउंड बना देंगे है, then the mass of one element, mass of one element combine with the fixed mass of other, जो दूसरे का एलीमेंट है जो उनका मास नंबर फिक्स है उस नाल कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो, तो की होएगा सिंपल होल नंबर रेशो अपन मिलेगी। आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मान लो अपने को हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलके की बन गया अपने को वाटर मिलके बन गया। ठीक है, जो आप हाइड्रोजन की गल करिए, हाइड्रोजन का मास नंबर वन है, टू मोलीक्यूल लगे है, ऑक्सीजन का मास नंबर अपने को 16 है, की मिलके बन गया। ठीक है जी, ये अपने को इन्होंने रेशियो देख लो, वाट आप चलो ये ना करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की रेशियो ले लेंगे, हाइड्रोजन अपने को वन है मीनस टू लगे है, टू रेशो सिक्सटीन मीनस वन रेशो एट आ गया। क्लियर है, हम सेम एलीमेंट्स कंबाइन टू मेक अ
कंपाउंड, कंपाउंड की गल कर रहे हैं भी दो एलीमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, आ भी एलीमेंट है आ भी एलीमेंट है, मिलके अपने को कंपाउंड मिलके बन गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेने हैं हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके की बन गया हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2। ठीक है जी, ए देख लो रेशियो देख लो, हाइड्रोजन के टू मोलिकुल लगे हैं तो मास नंबर वन होंगे मल्टीप्लाई करता टू नाल, हम ये देख लो जी ये 32 है, क्यों, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन का मास 16 होंगे, टू मोलिकुल लगे है, मैं डायरेक्ट लिखता 216 आर 32, तो इन्हों की रेशियो कि आ गई अपने को 1:16। हुण डेफिनेशन देखो, बाय डेफिनेशन की कहता है, कहता मास ऑफ वन ऑफ द एलीमेंट, वन एलीमेंट कि जी देखो एक इतने ऑक्सीजन से, आ हाइड्रोजन है आ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इतने भी है ऑक्सीजन इतने भी है, ऑक्सीजन का 16 है इतने ऑक्सीजन का 32 है, मीनस मास ऑफ वन एलीमेंट, वन एलीमेंट मीनस ऑक्सीजन का मास ले लिया, मिक्स कि कंबाइन करना है, कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलीमेंट, अदर एलीमेंट कि हो गया, अदर एलीमेंट तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का भी 2 सीगा, इतने भी हाइड्रोजन का 2 सीगा, मीनस एक एलीमेंट कंबाइन कर रहा है दूसरे एलीमेंट जिहदा मास फिक्स है, इन सिंपल होल नंबर रेशो, तो यह की अपने को सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएंगे। क्लियर है जी, एक आप होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इन मैं रेज कर दिना। हाँ जी, अपने को एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना देंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी थोड़ा जा कैमरा हिल गया सीगा, मैं सेटिंग कर देना दूरी यार। हाँ जी देखो जी, नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन मिलके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके अपने को N2O भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं, N2O4 भी बना सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके, ते नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है जी, है तो दो ही एलीमेंट है, एक नाइट्रोजन है ते एक ऑक्सीजन है, हाँ इन्हों की आप रेशो लें, मीनस की कहते हैं बाय डेफिनेशन। हाँ जी, आप नंबर ऑफ पार्ट्स बाय द मास वेट ऑफ द नाइट्रोजन लै लें। हाँ जी, नाइट्रोजन का वेट इतने कितना है, इतने आप वेट ऑफ नाइट्रोजन लै लें, लिख लें वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो इतने लिख देंगे आप वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, नाइट्रोजन का वेट, नाइट्रोजन का मास नंबर अपने को 14 होंगे, मीनस टू मोलीकुल लगे अपने को कितना हो गया 28, ऑक्सीजन का अपने को कितना इतने 16 है, इतने नाइट्रोजन वन ही लगे मीनस 14, इतने 16 है, नाइट्रोजन के टू मोलीकुल लगे फिर 28, ऑक्सीजन के हम 3 लगे है। ठीक है जी, 16 होंगे, 16 3s are 48। हाँ जी, नाइट्रोजन के फिर 2 लगे 28, ये हम 4 लगे है, तो अपने को 64 हो जाएगा ऑक्सीजन का मास, इतने नाइट्रोजन 2 लगे 28, इतने कि हो जाएगा अपने को 5 लगे हुए है, तो अपने को 80 हो जाएगा। क्लीयर है, नाइट्रोजन का मास लिख लिया ते अपना ऑक्सीजन का मास भी नाल लिख लिया। ठीक है जी, हुण आपां की करना है, देखो जी वो कहिंदा सीगा मास ऑफ वन एलीमेंट, एक एलीमेंट का दूसरे दे फिक्स एलीमेंट नाल, देखो जी मास नंबर इत्थे की कर रहे हैं जी, ऑक्सीजन का वेरी कर रहे हैं ना, 16 है 48 है 64 है ते 80 है, तो आपां नाइट्रोजन दे मास नूं फिक्स कर लीए, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लैंदे आ, फिक्स वेट कर लैंदे आ आपां, फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन, देखो जी आप 28 है, इतने 28 लिख लें, नाइट्रोजन की गल कर रहे हैं तो मैं स्पैशल मैनशन करता नाइट्रोजन वास्ते, नाइट्रोजन 28 है, इन्हों आप 2 ना मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ना मल्टीप्लाई किया 28, तो ना ऑक्सीजन का भी आप ऑक्सीजन का भी लिख लें, यह तो 16 सीगा, जे अपने को 28 है इतने, इन्हू जो डबल मल्टीप्लाई करता 2 ना, तो इन्हू भी तो करना पड़ेगा, तो अपने को 32 आ गए, आ 28 एसटीज है, अपने को 48 है, दैन अगेन 28 64 28 एंड 80। क्लीयर है, हुण बाय डेफिनेशन चैक कर लो, कहिंदा वन ऑफ द एलीमेंट, एलीमेंट आपां ऑक्सीजन दा चक लिया, कंबाइन विद आ चीजां कंबाइन कर रहे, एलीमेंट ऑक्सीजन दे एलीमेंट कंबाइन कर रहे फिक्स मास ऑफ द अदर एलीमेंट,
मीन्स नाइट्रोजन का फिक्स मास हो गया 28 ले लिया, कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट मीन्स नाइट्रोजन नाल कंबाइन हो रहा है इन अ सिंपल होल नंबर रेशो, तो इन्हों की रेशो ले लो सिंपल होल नंबर रेशो बन जाएगी। हाँ जी इन्हों की रेशो ले लो, आप देखो ऑक्सीजन की रेशो होल नंबर होएगी, देखो इनू आप होल नंबर रेशो ले लें, होल नंबर रेशो तो अपने को टू के टेबल से कट दें 2 8 16 ठीक है 24 32 40 ठीक है जी। इनू होर अगेन आप टू के टेबल से कटिंग कर देंगे तो अपने को बन जाएगा होल नंबर रेशो आ जाएगी। ठीक है इतने होल नंबर रेशो की बन गई 8:16:24:32:40 इनू आप जो होर आप सोल्व करना चाहिए तो अपने को होल नंबर रेशो ही आएगा। समझ लग गई ना भी ऑक्सीजन का जो मास है ये डिफरेंट है मास कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे फिक्स मास नाल ये की कर रहा है कंबाइन कर रहा है तो अपने को मिल रहा है होल नंबर रेशो मिल रहा है मीनस ये अपने को ला की हो गया जी इतने वैलिड हो गया वेरीफाई हो रहा है। क्लीयर है जितने तक? हाँ जी मैं फिर रिपीट करना चाहना है जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट टू माई वीडियो एंड प्रेस द बैल आइकॉन टू गैट द नोटिफिकेशन। हाँ जी इस वीडियो तुम तो वेयर करना है तो जो होर लोगों तक होर कैंडीडेट्स तक ये वीडियो पहुँचाया जा सके ते आने वाली वीडियो होर भी थोड़े लिए मैं इंट्रस्टिंग लैके आ सकता। हाँ जी नैक्सट अपने को फोर्थ ला, हाँ जी फोर्थ ला अपने को ला ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन की कहता है वैन टू डिफरेंट एलीमेंट कंबाइन सैपरेटली, कहिंदा दो डिफरेंट एलीमेंट है जदों आपस च कंबाइन करनगे सैपरेटली विद थर्ड एलीमेंट, एक थर्ड एलीमेंट फिक्स है ठीक है दो एलीमेंट एक फिक्स एलीमेंट नाल जदों कंबाइन करनगे द रेशो इन विच दे डू जिहड़ी रेशो दे विच ओह कंबाइन होणगे विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशो, जां उन्हां दी जिहड़ी रेशो होएगी सिंपल होएगी जां मल्टीपल रेशो दा फर्क होएगा इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर जिहड़ी प्रपोर्शन दे विच की है ओह कंबाइन हो रहे है। एग्जाम्पल लैके चलते हैं क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी मान लो अपने को एक आप कार्बन ले लें एक आप सल्फर ले लें थर्ड, देखो जी डिफरेंट एलीमेंट कह रहे हैं टू डिफरेंट एलीमेंट आप एक कार्बन ले लिया एक सल्फर ले लिया ठीक है फिक्स मास ऑफ थर्ड एलीमेंट ठीक है कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन ले लें मीन दो एलीमेंट्स एक थर्ड एलीमेंट जो थर्ड एलीमेंट फिक्स है मीनस कार्बन ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं सल्फर ऑक्सीजन भी कंबाइन कर रहे हैं। देखो जी जे ऑक्सीजन ते कार्बन मिलके की बनेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे सल्फर ते ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे ठीक है जी थर्ड एलीमेंट हो गया। दैन द रेशो दे डू सो विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल रेशो, आप एग्जाम्पल लई है इसनों आप क्लैरिफाई करते हैं फिर तो डेफिनेशन क्लीयर हो जाएगी अपने को। हाँ जी की कहता है मान लो अपने को मास नंबर की गल करते हैं अपने को कार्बन है कार्बन का मास नंबर अपने को 12 होएगा सल्फर का अपने को कितना होएगा 32 होएगा ठीक है ऑक्सीजन का अपने को 16 होएगा। क्लीयर है जी इतों तक सबनों? हाँ जी जे इन्हां दी रेशो लईए कार्बन ते ऑक्सीजन दी कार्बन अपने कोल 12 वन मोलीक्यूल ही लगे ऑक्सीजन अपने कोल 16 हुंदा है टू मोलीक्यूल है तो अपने कोल 32 आ गया। सेम सल्फर की गल करिए 32 रेशो 32 आ गया। क्लीयर है जी? हाँ जी हम देखो जे कार्बन ने ऑक्सीजन नाल रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो अपने कोल रेशो 12:32 आ गया। जे सल्फर ने ऑक्सीजन नाल कंबाइन होया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता तो 32:32 आ गया ठीक है। जे हुण कार्बन सल्फर नाल भी रिएक्ट करेगा तो अपने को बन जाएगा कार्बन सल्फाइड बन जाएगा ठीक है जी कार्बन सल्फाइड बन जाएगा तो अपने को कार्बन ते सल्फर की रेशो कितनी आ जाएगी अपने को ये अपने को 12 होएगा ये अपने को 32 होएगा इनू कटिंग कर दो अपने को कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा फोर के टेबल से कटता 3:8 रेशो अपने को बन गई ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो कार्बन प्लस सल्फर तो अपने की बन जाएगा, कार्बन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है, सी एस टू बन जाएगा। हाँ जी, जो ये रेशो लेने कार्बन सल्फाइड की, एक कार्बन की एक सल्फाइड की, कार्बन 12 है, सल्फाइड अपने को टू मोलीक्यूल लगे है तो अपने को 64 हो गया। 4 दे टेबल दे कटिंग कर दी है 3:16, ठीक है जी। ये अपने को आया सी 3:8, ये अपने को आ गया जी 3:16 आ गया, ठीक है। उस तो बाद जी जे हुण रेसिप्रोकल की गल कर रहे हैं ना, रेसिप्रोकल ला इन्हू मैं थोड़ा जा रेज कर दिया। हाँ जी, रेसिप्रोकल का की मतलब है, इन्हों की आप रेशो लेनी है, ठीक है। एक तो अपने को कार्बन सल्फाइड है, मीनस 3:8 डिवाइड बाय, एक अपने को जो अपने को कंबाइन होके बनिया 3:16, ठीक है। इन्हें रेशो ले लो 3:8 होल डिवाइड 3:16, तो अपने को बन गया 3:16 डिवाइड बाय 3:8, कैंसल हो गया, तो अपने को कितना आ गया 2:1, मीन 2:1 बन गया। देखो जी अपने को बन गया जी रेशो, बन गया मल्टीपल रेशो, ठीक है। मल्टीपल रेशो प्रपोर्शन के अपने को ये अपने को लॉक ही हो गया, वेरीफाई हो गया, होल्ड हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ लॉ करते हैं जी। अपने को 5 लॉ सीगे, आप फिफ्थ लॉ करन जा रहे हैं गेलुसिक लॉ, जिन्हों आप कह दें जी वॉल्यूम वाला लॉ, ठीक है जी, लॉ ऑफ वॉल्यूम। हाँ जी, लास्ट लॉ है अपने को गेलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। डेफिनेशन की कहता है, when gases react together or produce in a chemical reaction, कहता जो दो कोई भी गैस नू आप रिएक्ट करवाने हैं जा प्रोड्यूस होंगी है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, दैन दे डू सो इन विच द बियर अ सिंपल रेशो, तो उन्होंने जी रेशो होएगी सिंपल होल नंबर रेशो होएगी 2:1 एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड। जो अपने को वॉल्यूम बन जाएगा प्रोडक्ट, जो अपने को रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बन गया, ऑल गैसेज आर द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, उन्होंने की है सेम टेंपरेचर से प्रेशर कंडीशन है, सेम टेंपरेचर से प्रेशर रखना है, तो उन्होंने जी सिंपल होल नंबर रेशो होएगी एक दूजे नाल होल नंबर रेशो का फर्क होएगा। एग्जाम्पल लैके चलते हैं, मान लो अपने को की है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है, ठीक है जी, मिल के अपने को बन गया वाटर बन गया, ठीक है जी, मिल के अपने को वाटर बन गया। मान लो हाइड्रोजन के दो मोलीक्यूल है, अलो जी आप एक बॉक्स शो कर देने हैं, हाइड्रोजन के दो मोलीक्यूल है, दो मोलीक्यूल मीनस आ कंबाइन हो दो मोलीक्यूल, ऑक्सीजन के भी दो मोलीक्यूल है, ठीक है, जब आप देखा ऑक्सीजन लिख लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बन गया अपने को H2O, हाँ जी 1 मोलीक्यूल है, कंबाइन होके अपने को बन जाएगा, देखो जी 2 मोलीक्यूल सीगे अपने को 1 मोलीक्यूल है। देखो जी इनू आप करिए लो जी नाल दो चीजा नाल अटैच हो गई, ठीक है जी, अपने को 2 वॉल्यूम सी, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ए 1 वॉल्यूम अपने को ऑक्सीजन, तो अपने को कितना बन गया 2 वॉल्यूम, 2 ही बनेगा अपने को, जे आप बैलेंस भी कर लिए, बैलेंस भी कर लेने 2 वॉल्यूम इतने 2 लगा देने, आ 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन दी 1 वॉल्यूम इतने 1 है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, तो 2 वॉल्यूम अपने को कहदे बन गए जी वाटर के बन गए। तो फिर की कहें अपने को रेशो कि होएगी सिंपल रेशो के फर्क होएगा, उन्होंने जो प्रोडक्ट बनेगा अपने को प्रोडक्ट बन गया जी वाटर, तो रेशो कि इतों रेशो चक लो 2:1 ऑक्सीजन का मीनस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ते अपने को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपने को वाटर बन गया 2 मोलीक्यूल बन गया, ठीक है, कितना बन गया 2:1:2, ते अपने को जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ना जी रेशो होएगी सिंपल रेशो दे विच अपने को डिवाइड करे, कंडीशन की है सेम टेंपरेचर ते प्रेशर होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, ये अपने को 5 लॉ सी, मोस्ट इंपोर्टेंट ला है, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं तो पूछे भी गए हैं, पंजाब बोर्ड पेपर है चाहे CBSE बोर्ड पेपर है, ठीक है जी। जो बच्चे या जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो तुम इस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सबसक्राइब करो,
ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।